क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये कहता है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ 1/ε0 कैपिटल ई स्क्वायर। तो ε0 इलेक्ट्रिकल परमिएबिलिटी है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसको करने के दो तरीके हैं, एक लेंदी प्रोसेस है और एक है स्मार्ट वे। तो लेंदी प्रोसेस क्या है? लेंदी प्रोसेस ये है कि ε0 फिजिक्स में ढूंढ के लेके आओ और उसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल लेके आओ, यहाँ रखो, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल के लेके आओ और वो यहाँ रखो। और ये प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस है क्योंकि ε0 और ई का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकालने में ही 2 मिनट 3 मिनट कंज्यूम हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो आसान तरीका इसका करने का, पहला तरीका ये बता दिया मैं, आसान तरीका इसका करने का ये है कि अगर जो बंदा थोड़ा सा पढ़ाई किया है उसको ये बात पता है कि क्वांटिटी क्या चीज़ होती है फिजिक्स में। ये जो क्वांटिटी होती है फिजिक्स में वो एनर्जी डेंसिटी होती है, एनर्जी डेंसिटी बोले तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी होती है, और उसका ये फार्मूला है ½ε0E², ठीक है। ये अगर जिसको ये पता कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी होती है, इसका डायमेंशनल फार्मूला एनर्जी डेंसिटी के इक्वल होगा। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हो गया ml²T^-2, वॉल्यूम का हो गया L³, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा L²-1T^-2, है ना। अरे भाई ml²-1 है क्या कोई है? ठीक है, हाँ, तो ये बी ऑप्शन सही है, ठीक है, ml²-1T^2, क्लियर है। तो ये स्मार्ट तरीका है, और बाकी आप लेंदी प्रोसेस करना चाहते हैं, ε0 का ढूंढो, इलेक्ट्रिक फील्ड का रखो, देखो इतना ही आएगा।